राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष में आज बांदा जिला अस्पताल परिसर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बांदा सीएमओ और तमाम डॉक्टरों के द्वारा मानसिक रोग और उसके उपचार के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। मानसिक गड़बड़ी कई बीमारियों को जन्म देती है और ये कई कारणों से भी होती है, जैसा डिटेल में बताया गया, चाहे एंग्जाइटी हो, स्किज़ोफ्रेनिया हो, डिप्रेशन हो, नशा हो, ये सारी चीज़ें जो है मानसिक असंतुलन को बनाती है, मानसिक संतुलन को खराब करती है। इसके कारण जिसको हो जाता है वो तो स्वयं परेशान रहता है, उसके साथ उसका पूरा परिवार भी डिस्टर्ब रहता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बांदा जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में बोलते हुए कोरोना काल में किए गए स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों के द्वारा कार्यों की सराहना की। लगातार खबरें प्रसारित करने पर द नेटिजन न्यूज के रिपोर्टर को भी जिलाधिकारी द्वारा प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, जो हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन किसी कारणवश 10 अक्टूबर को नहीं हो सका, तो आज उसी के उपलक्ष्य में आज 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। और इसमें हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी और सीएमएस मंडल चिकित्सालय और सारे इनकी चिकित्सकों की टीम है, और सभागार में चिकित्सा परिवार की स्टाफ नर्स हैं, एनएम है, डॉक्टर्स लोग हैं, सारे लोग हैं। ये सारी हमारी चिकित्सा विभाग की टीम जो है, जो मानसिक बीमारियाँ हैं, कौन कौन सी मानसिक बीमारियाँ उन किन कारणों से होती हैं, इसके लिए लोगों को सजग कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम पहले भी चलता रहा, आप सब जानते हैं और आप लोगों ने भी कवरेज किया है कि कोरोना पीरियड में जो 2 साल का हम लोगों ने मानसिक संतुलन झेला, असंतुलन, उसमें हमारी मानसिक दृढ़ता ही काम आई है और कोरोना जैसी पेंडेमिक से हम लोग उभर पाए हैं। तो उसी आदमियों में मानसिक दृढ़ता हो, उसका मानसिक संतुलन बना रहे, उसी के उपलक्ष्य में आज एक मानसिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। और इसके माध्यम से हम अपने बांदा जनपद के समस्त नागरिकों को मोटिवेट करेंगे कि वो स्वस्थ रहें, शरीर से स्वस्थ रहें, तो मन स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, और न केवल मानसिक बीमारियां उनके पास नहीं आएगी, बल्कि बहुत सारी मानसिक बीमारियां भी उनके पास नहीं आएंगी। और आप जानते हैं कि अगर स्वास्थ्य ही है तो सब कुछ है, हेल्थ इज वेल्थ कहा गया है, स्वास्थ्य धन है, तो स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ है, अगर स्वास्थ्य है तो स्वास्थ्य सही नहीं तो बाकी कुछ नहीं है, धन भी सब बेकार है। इसलिए आज के दिन का ये महत्व है और हम राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस मना करके अपने बांदा के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि स्वस्थ रहें और चिंता मुक्त रहें। डॉक्टर जनार्दन प्रसाद त्रिपाठी, डॉक्टर साहब, आज आप एक कार्यक्रम में, मानसिक कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और आपने प्रतिक्रिया भी दी थी जी, किस तरह से देख रहे हैं आप मानसिक रोग को और किस तरह से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नारा है, इस सीजन का जो थीम है मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड, मानसिक स्वास्थ्य एक असमान संसार में, क्योंकि असमानताएं बहुत बड़ी हैं, अमीरी गरीबी का अंतर बढ़ गया है, इस बीच मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना और कठिन हो गया है, कुछ लोग बहुत अमीर हो गए, कुछ गरीब हो गए, उससे भी तमाम तरह के कॉम्प्लेक्स और समस्याएँ पैदा हुई हैं। एक आदमी कुछ नहीं, एक बहुत अच्छी कार से निकल के जा रहा है, एक बेचारा साइकिल से उतरता है तो ही फील कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर हीनता का बोध हो जाता है। इसी तरह जिनकी रोजी रोटी चली गई है, COVID-19 के दौरान तमाम लोगों के रोजगार छिन गए हैं, इससे एक असुरक्षा बढ़ी है, असुरक्षा से अवसाद आया है जिसे डिप्रेशन कहते हैं, चिंता बढ़ी। अभी एक सर्वे आया है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो कि हर चौथा आदमी डिप्रेशन से पीड़ित है और हर पांचवा आदमी चिड़चिड़ा हो गया है, चिंता से ग्रस्त है। उसका कारण क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने टीवी खोली कि आपको COVID-19 के बारे में बताया गया 2-3 महीने, हर समाचार पत्र में छपा, तो इसका जब बार बार कोई चीज़ बताई जाती है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन में असर पड़ता है, आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप डिप्रेशन में चले गए, कब आप चिंता में चले गए। उसको दूर करने के लिए केवल एक पहला उपाय है कि लोगों को जागरूक किया जाए, ये चिंता, मानसिक तनाव, डिप्रेशन क्यों आते हैं इसके बारे में बताया जाए, फिर उसके निवारण के बारे में बताया जाए, और अंत में वही कि आई एम विद यू, हम आपके साथ हैं।
तब इन समस्याओं का समाधान होगा। सामाजिक दायित्व, समाज के सभी लोग मिलकर प्रयास करेंगे तब इस समस्या का समाधान हो पाएगा। सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं इस तरह की, उससे कितना संतुष्ट है और किस तरह से मानते हैं कि कितना कारगर है वो? देखिए, सरकार के पास सीमित साधन है। आपको जानकर आश्चर्य हुआ, हमारे देश की जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम मनोचिकित्सक हमारे यहाँ, और काउंसलर तो और कम है। प्रिकॉशन इज बेटर देन कौन, एक तथ्य इसका यह है कि प्री काउंसलिंग और पोस्ट काउंसलिंग, कोई आदमी क्यों दवा से ठीक नहीं होता, या तो पहले काउंसलिंग कर दी जाएगी तो उसे दवा की जरूरत ना पड़ेगी, अगर सीवियर केस है तो काउंसलिंग के बाद वो दवा लेगी कि ठीक तभी होगा जब दोबारा काउंसलिंग की जाएगी, तब मस्तिष्क का सेटअप होता है। हमारे यहाँ काउंसलर की कमी है और हमें ये जिंदगी में बहुत तनाव देती रही है और लंबे समय तक बहुत से लोग भी हैं जो डिप्रेशन यानी अवसादे के मन चुके हैं। आज राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया गया था। ये 10 तारीख को आयोजन होना था मगर ये क्योंकि रविवार के कारण जिलाधिकारी महोदय के अनुमति से वही मुख्य अतिथि थे और जो है आज आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय थे, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे जो है समस्त संबंधित कार्यकर्ता, स्टाफ नर्सेज, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के समस्त काउंसलर, चिकित्सा अधिकारी एवं प्रशिक्षु स्टाफ नर्सें और जनता भी उपस्थित रही। सर, ये जागरूकता कार्यक्रम भी था, इसमें किस तरह से लोगों को जागरूकता के टिप्स दिए गए? जी, इसमें जागरूकता जो हमारे प्रशिक्षु स्टाफ नर्सें उनको और रोगियों के परिजनों को तथा स्टाफ नर्सेज को और सभी समस्त कार्यक्रम से संबंधित व्यक्तियों को जागरूक किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य का महत्व क्या है और उस पर आगे हमें कैसे कार्य करना है, कितना इसका महत्व, ये सब चर्चा की गई है। वो हमारे थिंकिंग को, हमारे विचारों को, हमारे स्वभाव को कंट्रोल करता है, उसे हम मानसिक स्वास्थ्य मोटा मोटी करते हैं। ऑर्डर ऐसे होते हैं जो मोटर ऑर्डर चलाते हैं, जिससे हम हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, तरह तरह के कोई भी काम करते हैं। हम जो भी फिजिकल काम करते हैं उसके लिए हमारा ब्रेन रिस्पॉन्स। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर रिजवाना हाशमी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। इस कार्यक्रम में आप लोगों के द्वारा लोगों को जागरूक किया है मानसिक रोग से, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, वो किस तरह से मानसिक रोगों से अपना बचाव करें? देखिए, आज जो है हम लोग, वैसे तो 10 अक्टूबर को ये विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, परंतु किसी कारणवश आज हम लोग इस उसको मना रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसी बात के लिए जागरूक किया जा रहा है कि मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल, यानी कि जितने भी लोग हैं सभी के लिए ये मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए। लेट्स मेक इट रियलिटी, यानी कि हमको इसे हकीकत में बदलना है, ठीक है। और यही हमारा इस का थीम था इस बार का, जिससे कि जन जन तक हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों को बता सकें, मानसिक स्वास्थ्य कितना अहम भूमिका हमारे आगे के समाज के लिए बनाने में, हमारे कार्य क्षमता पे इफ़ेक्ट डालता है, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए ये कार्यक्रम का वो किया गया। क्योंकि लोगों के बीच में अभी भी स्टिग्मा है, लोग इसे गलत नज़रों से देखते हैं, मानसिक शब्द का नाम आते ही लोग उसे पागलपन से डिनोट करते हैं, और ये हमारे समाज की सबसे बड़ी कमी है। क्योंकि अगर हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि समाज में हर तबके का बंदा, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, वृद्ध हो, छोटा हो, हर किसी को कभी ना कभी किसी ना किसी तरह का तनाव फेस करना पड़ रहा है, और यही वजह है कि लोग इसके बीच में हम लोग ये जागरूकता फैलाने का उद्देश्य ये है कि लोग खुलकर बात करें, लोग सामने आए, अपनी चीज़ों को छुपाएं नहीं। अगर आप इस बात को छुपाते हैं तो यानी कि आप समाज में उस चीज़ को और बढ़ावा दे रहे हैं। हम किस तरह से लोगों के सामने अपने आप को ले कर आएँ, जिससे कि लोग आपस में बातचीत करें। अगर हम बातचीत नहीं करेंगे, हमारा कहने का तरीका बदलना चाहिए। अक्सर हम क्या होते हैं कि किसी को अगर कहते भी हैं कि आप मानसिक उपचार करवा लें, तो हमारे कहने का तरीका बहुत गलत होता है, हम उसको एक गलत नज़रिए के साथ भेज रहे होते हैं। हमें अगर उसके साथ कंसर्न है तो हमको उसको ये समझाना पड़ेगा कि आप ठीक हो सकते हो। ये सभी समस्याएं हर किसी को कभी ना कभी फेस की होती हैं, या हो सकता भविष्य में किसी को फेस करनी पड़े। अगर हम स्वस्थ रूप से इसका एक अच्छा रूप लेके आएंगे तो आज क्या हमारा समाज पूरी तरह स्वस्थ भी रहेगा, और लोग बात करने से हिचकिचाएंगे नहीं, और इसको एक
गलत जो धारणा है उससे हम बाहर आके काम कर सकते हैं। यही उद्देश्य था हमारा इस बार का थीम कि मानसिक स्वास्थ्य सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।